हेलो दोस्तों, आप स्क्रीन पर एक मैसेज देख सकते हैं। इस मैसेज के अनुसार जो है प्रथम चरण की जो काउंसलिंग के उपरांत जो अवशेष सीटें रह गई हैं उनके लिए जो अभ्यर्थी हैं 15/8/2023 से लेकर 20/8/2023 के मध्य जो है पूर्व की भांति अपने ऑनलाइन पोर्टल पर जो है अभ्यर्थी लॉगिन करके द्वितीय चरण की जो काउंसलिंग में निःशुल्क प्रतिभाग कर सकता है। दूसरा देखते हैं, इसमें जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में ऑनलाइन आवेदन में समय से अथवा संबंधित विवरणों में जो है त्रुटिपूर्ण अंकन किया गया था तो वे अपने आवेदन में संशोधन भी कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके आवेदन में कोई त्रुटिपूर्ण एंट्री हो गई तो आप उसको संशोधित कर सकते हैं। इसके बाद एक चीज़ और बोलता है कि द्वितीय चरण में आवंटन हेतु अवशेष सीटों के सापेक्ष वरीयता विकल्पों का चयन अवश्य करें। नए विकल्प न भरे जाने की स्थिति में आपको द्वितीय चरण की आवंटन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं माना जाएगा और आवंटन हेतु पूर्व में भरे विकल्प स्वतः ही अमान्य हो जाएंगे। यानी कि आपको द्वितीय चरण में भी जो है ऑनलाइन काउंसलिंग करवानी जरूरी है और अपने नए विकल्प जरूर भरने हैं वरीयता क्रम में जैसे आप चाहते हैं। तो आप अवश्य जो है द्वितीय चरण में की काउंसलिंग में भी जो है प्रतिभाग अवश्य करें निःशुल्क रूप से। इसके अलावा एक चीज़ और बोलता है कि पूर्व में ऑनलाइन आवेदन से वंचित रह गए अभ्यर्थी भी द्वितीय चरण में निर्धारित शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। यानी कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पहले फॉर्म नहीं भरा है तो वो भी जो है निःशुल्क जमा करके अपना फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और देख लेते हैं कि प्रथम चरण की काउंसलिंग के उपरांत उपलब्ध तथा अवशेष सीटों का विवरण परिषद की जो वेबसाइट है उस पर उपलब्ध है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम काउंसलिंग में उनकी पहली वरीयता की सीट आवंटित हुई हो और उनके द्वारा प्रवेश भी ले लिया गया हो को छोड़कर अन्य सभी अभ्यर्थी द्वितीय काउंसलिंग हेतु पात्र होंगे। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट प्रवेश ले चुके अभ्यर्थियों के द्वारा पूर्व में प्रवेशित सीटों को रिक्त कराए जाने की स्थिति में ही प्रतिभाग का अवसर प्राप्त होगा। यानी कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रवेश ले लिया किसी व्यवसाय में और वे जो है द्वितीय काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हैं तो उससे पहले उनको अपनी पहले की जो वो है सीट उसे खाली करना पड़ेगा। तो यदि आप जो है आईटी करने के इच्छुक हैं और आप जो है आपको प्रथम काउंसलिंग में जो है सीट नहीं मिली है तो आप द्वितीय काउंसलिंग में अवश्य भाग लें और अपने जो है नए विकल्प अवश्य भरें। आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इसी प्रकार की वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।